ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन पिछले जो 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस थी, राज्य के अंदर जो निराशा थी, कोविड के समय पे जो काम नहीं कर पाए, जो बेरोजगार युवक थे उनको रोजगार नहीं दे पाए, पिछले उन्होंने घोषणा पत्र में जो घोषणाएँ करी थी कि भाई हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ पर महंगाई ख़त्म करेंगे, काला धन लेके आएंगे, तमाम तरह की उन्होंने जो घोषणाएँ राज्य के अंदर करी थी, उससे हमें स्पष्ट रूप से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लुभावनी वादे कर रही है। हमने धरातल पर काम किया, हमने एक विज़न लेकर जनता के बीच में हम लोग गए थे, लेकिन जनता ने हमको नकारा है। लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस थी, पहले हमारे पे 11 सीटें थी, लेकिन आज अब 19 सीटें लेके आई हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारी सीटें बढ़ी, हम कहीं हारे नहीं हैं। हमारे जो कांग्रेस के सभी लोग हैं, हम पूर्ण बहुमत के साथ राज्य के अंदर सरकार बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि प्रदेश का चहुमुखी विकास, हम जिस प्रकार से नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के अंदर नींव रखने का काम किया, हम उसी श्रृंखला को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं, और जो भी हार के कारण है हम उसकी समीक्षा करेंगे, और जो कमियां हमारी रह गई हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।